पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब ऑफिस में सदर मिनोरिटी विंग सेंट्रल पंजाब शनीला रूद की क्यादत में ईद क्यामत उल मसीह के हवाले से तकरीब मुनक़द की गई, जबकि वसीम अरशाद भट्टी सदर लाहौर मिनोरिटी विंग, आसफ सहेल खोखर जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब और मथियास खान जनरल सेक्रेटरी लाहौर ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब की मेहमान खसूसी डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर सेंट्रल पंजाब ने ईद क्यामत उल मसीह की मुबारकबाद दी। सेंट्रल पंजाब तहरीक इंसाफ मिनोरिटी विंग से अशरफ माइकल सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब, परवेश शाकर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब, कामरान परवेश चौधरी सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब, नदीम शाकर सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब, नोखेज खोखर सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब, सलीम सहोत्रा नायब सदर सेंट्रल पंजाब, सैमसन भट्टी सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब, आमर सैमुअल सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब, बिशारत गिल, फरियाद भट्टी और मिनोरिटी विंग के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शनीला रूद ने सेंट्रल पंजाब और डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान के साथ ईद क़यामत उल मसीह का केक काटा और मसीही कौम को मुबारकबाद दी, जबकि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। सबसे अहम बात यह है कि हमें जो भी सबक पढ़ाया गया वो हक का सबक, अगर किसी इंसान का हक मारा जाए तो हमें आवाज उठानी चाहिए, और यही मकसद है कि आज हम सारे इकट्ठे होके इमरान खान के साथ उसके मौके पर बात करेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी तब आएगी जब गरीब और अमीर को एक ऐसा इंसान मिला। इसका मतलब है कि हम वो हकीकी आजादी जिसके जो कायदे आजम की ख्वाहिश थी, अलामा इकबाल का ख्वाब था, वो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए वसी बरादरी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था पाकिस्तान का, और अभी भी जिस तरह का रोल प्ले किया जाता है उसके बड़े मशहूर हैं। हम अपनी माइनॉरिटीज की इसलिए बहुत इज्जत करते हैं कि आप हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी। तो हम इंशाल्लाह सारे मिलके इस मुबारक दिन पे दुआ भी मांगते हैं और अल्लाह से इंतजार करते हैं कि ये पूरा वक्त जो आया हुआ इस वक्त पाकिस्तान पे वो अल्लाह ताला खत्म करे, और अच्छा वक्त आए और इंशाल्लाह हम सारे मिलकर